नमस्कार, मनोदल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था का आधार क्या रखा गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी गई थी प्रथम औद्योगिक नीति में। प्रथम औद्योगिक नीति के समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 8 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आता है कि प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को रखा गया था। तो उद्योग इस प्रथम औद्योगिक नीति में केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों के विषय थे। प्रथम औद्योगिक नीति की समीक्षा का प्रावधान कितने वर्ष बाद रखा गया था? तो 10 वर्ष बाद रखा गया था। भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था का आधार क्या रखा गया था? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था रखी गई थी द्वितीय औद्योगिक नीति में। भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1956 में आई थी भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति। द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत उप उद्योगों को 3 सूचियों में बांटा गया। वे थी स्वअनुसूची ए। द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत उप उद्योगों को 3 सूचियों में बांटा गया था। वो थी तो अनुसूची ए में भी, अनुसूची बी में भी और अनुसूची सी में भी बांटा गया था। अनुसूची ए में कितने औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो औद्योगिक क्षेत्र है 17। अनुसूची बी में कितने औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो 12 औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। सरकारी कंपनी के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो सरकारी कंपनी के आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा का जन्म किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत हुआ था? तो 1973 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा का जन्म हुआ था। फेरा का पूरा नाम निम्न में से है? तो फेरा है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। फेरा का क्या नाम है? विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय माना जाता है? तो उपरोक्त दोनों है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ये संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है इसमें। फेरा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फेरा अधिनियम पारित हुआ था 1973 में। 1980 की औद्योगिक नीति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 1980 की औद्योगिक नीति के अनुसार इस नीति का प्रारंभ हुआ था 23 जुलाई 1980 को। इसमें विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। MRTP में संशोधन करके इसकी सीमा को 50 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में। नई औद्योगिक नीति के समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो PG कुरियन। नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या 2 ही रख दी थी जिनके नाम है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या 2 हैं। एक तो है रेल सेवा उद्योग और दूसरा है नाभिकीय अनुसंधान। 20वां क्वेश्चन है कि 1991 की नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितने उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई? तो 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता रखी गई। लाइसेंस अनिवार्यता जिन उद्योगों के लिए रखी गई उनमें से एक है तो अल्कोहल उद्योग, खतरनाक रसायन और वायु रक्षा उपकरण, इन सभी के लिए क्या रखा गया था? लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई थी। फेरा के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। फेरा के स्थान पर अब फीमा की स्थापना की गई है। फीमा का पूरा नाम क्या है? फीमा का है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। फेरा 1973 के स्थान पर फीमा की स्थापना कब की गई थी? तो 2000 में की गई है फीमा की स्थापना। FDI में निर्धारित दर निम्न में कौन सी नई थी? तो FDI के निर्धारित दर में 90% दर निम्न नई थी। नवीन औद्योगिक नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखो, एक नीति में अनिवार्यता वाले 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, तो ठीक है, ये भी सही है। फेरा की जगह फेमा बनाया गया है। आंतरिक आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 रखी गई है, तो ये सभी सही हैं। विनिवेश से अभिप्राय माना जाता है, तो विनिवेश से अभिप्राय है सार्वजनिक क्षेत्र के भाग को धीरे धीरे कम करना। विनिवेश से अभिप्राय माना जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के भाग को धीरे धीरे कम करना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड में किस प्रकार का विनिवेश किया गया है? तो सामरिक विनिवेश किया गया है। सामरिक निवेश होता क्या है? तो सामरिक विनिवेश होता है जब सरकार अपने उद्योगों की कार्य क्षमता के लिए निजी क्षेत्र का हिस्से में वृद्धि करना क्या कहलाता है? सामरिक निवेश। सांकेतिक विनिवेश से अभिप्राय क्या है? तो सांकेतिक होता है जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उनका भाग 49% तक बेचा जाए तो वो सांकेतिक विनिवेश होता है। विनिवेश के लिए 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक विकास लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। सिडबी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिडबी, इसका पूरा नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में। तो ये उपरोक्त सभी। सेबी का नाम निम्न में से सही है? तो सेबी होता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी सेबी की स्थापना। सेबी की स्थापना को संवैधानिक रूप से की गई थी 1992 में। सेबी का मुख्यालय है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं? तो 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।